हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का शेयर करने वाली हूँ मोदक बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे 2 चम्मच घी। घी गर्म होते मैं इसमें दूंगी 1 नारियल ग्रेट किए हुए। इसको 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। अब क्रश किए हुए गुड़ दे दूंगी इसमें मैं, और थोड़ा सा पानी दे दूंगी, देखिए अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स होने के बाद उसको हम प्लेट में उतार लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे चावल के आटे का डो बना रखा है। गर्म पानी में मैंने गूंद लिया है 1 चम्मच नमक 1 चम्मच घी के साथ मिलाकर। अब हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। लोई को मैं हल्के हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा सा फैला लूँगी, देखिए इस तरीके से। अगर आप चाहें तो बेलन की हेल्प से भी बेल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर नारियल की स्टफिंग कर दूँगी। इसके बाद जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको उस तरीके से लॉक कर लेना है। अगर आपके पास मोदक बनाने की मशीन है उससे भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना प्यार सा मैंने बना लिया है। इसी तरीके से बाकी को भी बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना के अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे लिए कम से कम एक लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी मोदक को बना लिया, देखिए कि देखने में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पर एक बर्तन में मैंने गर्म पानी बना लिया था, उसके बाद मैं छन्नी रखा है, छन्नी में हल्का सा तेल लगा लिया था। अब इस मोदक को इसके ऊपर रख देंगे, इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 10 मिनट बाद देखिए मोदक हमारे तरफ से बन चुका है, इसको हम प्लेट में उतार लेंगे। सो फ्रेंड्स, बन के तैयार हो चुका है हमारी मोदक की रेसिपी। उम्मीद है आज की वीडियो सबको अच्छी लगी हो। मेरी वीडियो सबको अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बेहतरीन रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी लेकर।